झारखंड वस्तुनिष्ठ सेरी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम्स की तैयारी के लिए झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आप सब के लिए रोजाना एक सेट लेकर आ रहे हैं प्रभात एग्जाम्स की तरफ से। इस सीरीज में हम हर रोज 25 क्वेश्चन के माध्यम से झारखंड के विषय में जानेंगे और ये क्वेश्चन डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड वस्तुनिष्ठ से लिए गए हैं। और इससे अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुयायियों को टाना भगत कहा जाता है? ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू कान्हू, सी जतरा उरांव, डी जगन्नाथ ढाल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धू भगत का संबंध किससे है? ए कोल विद्रोह, बी भूमिज विद्रोह, सी चेरो विद्रोह, डी टाना भगत आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? ए गोमियो में, बी सिंदरी में, सी बरही में, डी बोकारो में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, टाना भगत आंदोलन का काल क्या था? ऑप्शन ए 1913 से 14, बी 1915 से 16, सी 1918 से 19, डी 1921 से 22। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? ए 48%, बी 47%, सी 46%, डी 45%। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? ए खूंटी में, बी पलामू में, सी चतरा में, डी गुमला में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना था? ऑप्शन ए हो विद्रोह, बी चेरो विद्रोह, सी तमाड़ विद्रोह, डी सरदारी विद्रोह। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? ए तमाड़ विद्रोह, बी चेरो विद्रोह, सी ओ विद्रोह, डी भूमिज विद्रोह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल बादशाह के समय में सन 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, मेजर रफसेज ने किस वर्ष को दियुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए 1814 में, बी 1816 में, सी 1818 में, डी 1820 में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया? ऑप्शन ए एनी शाह, बी गोपाल राय, सी अर्जुन सिंह, डी दुर्जन शाल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए हजारीबाग, बी जामताड़ा, सी पलामू, डी पश्चिमी सिंहभूम। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अंशुला लकड़ा किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी शतरंज, सी तीरंदाजी, डी वॉलीबॉल।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए गुमला में, बी खूंटी में, सी चतरा में, डी पलामू में। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन था? ए लातेहार, बी रामगढ़, सी हजारीबाग, डी सरायकेला खरसावां। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में अवस्थित है? ए हजारीबाग, बी रांची, सी बोकारो, डी रामगढ़। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? ए डाल्टेनगंज, बी घाटशिला, सी हटिया, डी बरही। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था, ये ताम्र पत्र किस शताब्दी का है? ए 19वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओरमांझी, बी घाटशिला, सी बरही, डी आदित्यपुर। सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20, अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? ए असर, बी उस्ताद, सी अनमोल, डी हमारी धरोहर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? ए निर्मल चंद्र बनर्जी, बी गोपाल मुखर्जी, सी गुलाब तिवारी, डी ओंकार सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? ए मनोज गुहा, बी रामचंद्र गुहा, सी मनोरंजन गुहा, डी दिवाकर गुहा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस केस के अंतर्गत वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारकर पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? ऑप्शन ए रांची षड्यंत्र केस, बी देवघर षड्यंत्र केस, सी बोकारो षड्यंत्र केस, डी रामगढ़ षड्यंत्र केस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, बा पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है? ए सोहराय, बी सरहुल, सी जत्रा, डी झूमर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए हाथू मुंडा, बी पाहन, सी प्राणीक, डी महतो। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ आज समाप्त होता है ये सीरीज। और आपसे एक बात पूछनी थी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको हर सेट की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।